न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। समाजवादी पार्टी नेताओं में बड़बोलेपन अब भी थम नहीं रहे। अखिलेश यादव की सख्ती के बावजूद उनके विधायक अनाप शनाप बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं अब संभल के सपा विधायक इकबाल महमूद ने नीतीश कुमार को पलटो राम कहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 10 बार पलटे हैं, यही नहीं उन्होंने बीजेपी और नीतीश कुमार को एक जैसा बताया है। देखिए, इंडिया गठबंधन आज भी बहुत मजबूत है। लोगों का कहना यह है कि साहब ममता बनर्जी चली गई पश्चिम बंगाल से, पंजाब से आप पार्टी हट गई। इन दोनों पार्टियों ने गठबंधन से ये लोग अलग नहीं हुए, ये लोग गठबंधन में ही हैं, मगर यहाँ पर और किसी पार्टी से मेल नहीं चाहते हैं। तो एनडीए पर इसका कोई असर नहीं है, जो भी जीत के आएगा वहां कांग्रेस जीते। तो 6 दिन पहले ट्रक चालक से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से 72,000 की नकदी, मोटरसाइकिल, तमंचा बरामद किया है। पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया। इस लूटकांड के खुलासे में सीसीटीवी कैमरा पुलिस के लिए वरदान साबित हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से लूटकांड का खुलासा किया। ये 26 तारीख को थाना बैजोई में पवासा के पास एक ट्रक ड्राइवर से 2 व्यक्तियों ने लिफ्ट मांग के बैठकर और 1,11,000 रुपये लूटने और उनके पीछे मोटरसाइकिल पर आते हुए साथी के साथ भाग जाने के संबंध में एक तहरीर पर FIR दर्ज की गई थी। इस संबंध में आज घटना का अनावरण किया गया है। इसमें 3 अभियुक्त गिरीशपाल पुत्र बालाराम निवासी रजपुरा, हेमंत निवासी रजपुरा, सुभाष यादव निवासी रजपुरा गिरफ्तार किए गए हैं। इन कानपुर में EVM हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कानपुर को सौंपा गया। सामाजिक संगठनों और अधिवक्ताओं के साथ मिलकर EVM के विरोध में कौशिक पार्क से जुलूस निकाला गया। माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कानपुर को दिया गया है। सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष बलराम सिंह ने बताया कि भारत देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और देश में चुनाव प्रक्रिया से हम लोकसभा और विधानसभा के लिए अलग एक प्रतिनिधि चुनते हैं। निष्पक्ष चुनाव हो इसके लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराने की होती है। लेकिन वर्तमान समय में होने वाले चुनाव में EVM मशीन से चुनाव कराया जाता है, जिसकी कई तरह की शिकायतें शंका पर कई पार्टियों ने पहले भी आपत्ति दर्ज कराई है। सभी ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी रीट की दायर हो चुकी है, जिसका सही संतोषजनक जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। इसलिए सभी सामाजिक संगठनों की संयुक्त सभा ने एक साथ मिलकर EVM के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी देते हुए कानपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले कुछ जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में जनता का रुझान कुछ अलग है और कुछ अलग आता है, तो उसमें चूंकि चुनाव आयोग का काम होता है कि ये सरकार की विश्वसनीयता ना करके पब्लिक और जनता की विश्वसनीयता के हिसाब से काम करना चाहिए, तो जनता की ये मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए और EVM को हटा करके बैलेट पेपर से अगर चुनाव होंगे तो नतीजे कुछ और आएंगे। किसानों के विभिन्न समस्याओं को लेकर देवबंद में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय त्यागी ने बताया कि गन्ने का मूल्य सरकार द्वारा जो 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है वो बहुत कम है, जिससे किसानों में नाराजगी है। गन्ना मूल्य कम से कम 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया जाए। इस साल लगभग 60% किसान की गन्ने की फसल बर्बाद हुई है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति खराब है। इसलिए किसानों के क्रेडिट कार्ड पर लोन ब्याज माफ किया जाए। जिन गांव में पानी की टंकी है उन गांवों की सड़कें खस्ता हाल पड़ी हुई हैं, उनकी मरम्मत कराई जाए। वहीं यहां पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कराया जाए ताकि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मैं राम किशन सैनी एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी अराजनीतिक। आज हमने SDM साहब को जो ज्ञापन दिया है वो 5 बिंदुओं पे दिया है कि गन्ना मूल्य केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया, जो बहुत कम है। किसानों में भारी रोष है कि कम से कम हमारी मांग है कि 50 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना होना चाहिए। दूसरी मांग यह है कि गांव में जो सड़कें बनी है
फतेहपुर में राम रूप की मौत, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों संघ परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर नहर कॉलोनी में धरना प्रदर्शन किया। थाने में थर्ड डिग्री दिए जाने के साथ ही पैसे की मांग को लेकर रामस्वरूप ने वीडियो बनाकर खुदकुशी कर ली थी। मृतक रामस्वरूप को इंसाफ दिलाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। एसपी ने एसओ को लाइन हाजिर किया। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हुसैनगंज के मानपुर गाँव का ये पूरा मामला है। झांसी में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की जान बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गुड सैमरिटन अर्थात नेक व्यक्ति की भूमि का अदा करने की बात कही गई है। घायल को अस्पताल पहुंचाने से पहले और एम्बुलेंस के आने तक घायल की जान बचाए रखने के लिए 100 प्राथमिक चिकित्सा देकर एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। बता दें कि सड़क सुरक्षा महीना जो कि 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक मनाया जा रहा है, इसी क्रम में रक्सा टोल प्लाजा पर सड़क सुरक्षा समिति सदस्य यातायात पुलिस में ट्रैफिक वार्डन प्रगति शर्मा द्वारा रक्सा टोल प्लाजा के अधिकारी कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा के विभिन्न विधियों की जानकारी दी गई। किस तरह से 3 और 4 हैंड सिटी विधि, साधनों के अभाव में स्ट्रेचर निर्माण करना, मानव वैसाखी विधि, क्लॉथ लिफ्टिंग विधि, 4.5 मेथड विधि, CPR आदि बताया गया। सबसे पहले मैं अश्विनी शर्मा रक्षा टोल प्लाजा की तरफ से प्रगति मैम और उसके टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो हमारे जो रोड सुरक्षा मंथ चल रहा है उसके उपलक्ष्य पर हमारे टोल प्लाजा पर आते हमारे समस्त कर्मचारियों को उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी, जिसमें सबसे पहले CPR की ट्रेनिंग कैसे देनी है, CPR को कैसे लोगों को चेक करना है, रोलिंग जो मेथड होता है कपड़े का उसके द्वारा कैसे इसको जो पेशेंट होता है उसको कैसे एम्बुलेंस तक लेके जाना है। बलरामपुर के बहुचर्चित रहे हत्याकांड में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाते हुए 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और 2.5 लाख रुपए का दंड भी लगाया। विभत्स हत्याकांड 14 फरवरी 2019 में हुआ था, जब मुस्लिम परिवार के 5 लोगों ने हिंदू परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि एक महिला को मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आपको बता दें कि इस कांड के 5 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। 2019 की रात रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के जोगियाबीर गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। घर के मुखिया जगराम, उसके बेटे राजू और बेटी गुड़िया की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस घटना में राजू की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जो है 24/25/2019 का है, थाना रेहरा बाजार में एक गांव पड़ता है रज्जकपुरवा, हेमलेट आप उसका है अगया बुजुर्ग, वहां एक जगराम राजभर नाम का परिवार उस गांव में रहता था। जगराम राजभर का बेटा, उसके पड़ोसी जो सद्दाम नाम था, मुस्लिम था वो, और ये जगराम राजभर जात का था, तो इसका बेटा सद्दाम की बहन को लेकर चला गया था। चूंकि ये लोग बहुत गरीब राजभर परिवार के थे। सहारनपुर के थाना मिर्जापुर क्षेत्र अंतर्गत एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सहारनपुर के SSP डॉक्टर पिंताला ने बताया कि मृतक हसीन के परिजनों के द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर, परिजनों की तहरीर के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना मिर्जापुर में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक ने आत्महत्या किया है पेड़ पर लटक कर। इस पर पुलिस मौके पर गई, अधिकारीगण गए हैं मौके पर, फील्ड यूनिट बुलवाई गई। युवक का शव फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। परिजनों का यद्यपि आरोप है कि उसकी हत्या करके उसका शव लटकाया गया है। युवक का नाम अनीस है और इनके परिजनों से पुलिस वार्ता कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हरदोई के कलेक्ट्रेट परिसर में PRD जवानों ने शांति प्रदर्शन किया और DM को संबोधित एक ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा है। इस ज्ञापन में प्रभारी BO पर ड्यूटी से हटाए जाने और कोर्ट के आदेश पर भी ड्यूटी ना दिए जाने का आरोप लगाकर DM से कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। ब्लॉक से हूं मैं, PRD जवान प्रमोद कुमार हूं। मैं माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ से बहाल हुआ था और ड्यूटी हमारी केवल अधिकारी ने 2 महीने लगाई है और सन 2020-21 का पैसा आज भी हमारा लोगों का रोक रखा है। हमारे बीवी बच्चे लड़के बच्चे सब भूखमरी की कगार पे हैं और अधिकारी ना हमसे कोई बात बताता है सही ना कुछ कहते हैं। अगर बनी अधिकारी हमारा आए दिन शोषण करता है, फोन पे अगर बात कर
पीलीभीत के नवागत जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर मुहूर्त के हिसाब से जिले का कामकाज संभालते हुए नजर आए। डीएम ने चार्ज लेने के बाद मीडिया से बातचीत की, अपनी प्राथमिकता गिनाई। इस दौरान डीएम ने कहा कि फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण करना उनकी पहली प्राथमिकता है। समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना। इसके अलावा मैं समझता हूँ जो विकास के कार्य हैं, खासकर जो हमारे किसान भाइयों से जुड़े हुए हैं, जैसे कृषि का है या उद्यान का है या मत्स्य का है या पशुपालन विभाग से संबंधित है, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। हम यही प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जो उचित मूल्य है वो मिल पाए, अच्छा मूल्य मिल पाए और उनकी आय बढ़े, इस पर हमारा। हरदोई में चलती रोडवेज बस में रोडवेज के ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। ड्राइवर ने बस लड़खड़ाते देख खुद ही बस रोकी, उसके बाद बेहोश हो गया। अनफान में उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बस में 40 सवारी बैठी थी। रोडवेज डिपो की बस करनौर से हरदोई आ रही थी। एक बड़ा हादसा टलने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। रोडवेज बस चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक चालक है मान सिंह, इनको हमारे पास लाया गया इमरजेंसी में, तो जब हमने चेक किया है तो ये मृत अवस्था में थे। इनका पल्स बीपी कुछ मिल नहीं रहा था, ईसीजी हमने कराया है, उसके बाद इनको मृत घोषित किया गया है। 45 साल की उम्र है इनकी और किसी दूसरे रोडवेज स्टाफ के द्वारा इनको लाया गया यहाँ पर इमरजेंसी में, इनको मृत घोषित कर दिया गया। क्या डेथ की क्या वजह है? रीज़न डेथ का ऐसे बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे पास जब आए हैं तो मृत अवस्था में ही आए हैं, हो सकता है कि कार्डियक अरेस्ट हो या कोई और चीज़ हुई हो, वो क्लियर तो ऐसे हम नहीं कर पाएंगे, पोस्टमार्टम के बाद आपको चीज़ें पता चलेंगे। झांसी पुलिस से न्याय नहीं मिलने पर पीड़ित ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजकर पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय मौरानीपुर के समक्ष धरना दिया। पीड़ित श्रीमती अफरोज पत्नी आजाद निवासी मोहल्ला झंडापुर रानीपुर थाना मौरानीपुर ने अपने बच्चों के साथ क्षेत्राधिकारी मौरानीपुर के समक्ष धरना देते हुए बताया कि आरोपी मेहरबान सिंह ने उनकी पैतृक जमीन बेच दी है, जिसे लेकर आरोपी मेहरबान सिंह के खिलाफ थाना मौरानीपुर में धारा 420 सहित अन्य धारा मुकदमा दर्ज किया गया था। सभी प्रूफ देने के बाद भी दारोगा ने आरोपी से मिलीभगत कर मुकदमे को खारिज कर दिया। पीड़ित ने उक्त मामले को लेकर मुख्यमंत्री सहित जिलाधिकारी एसपी डीआईजी सहित संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजे हैं। पीड़ित ने न्याय नहीं मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दे दी है। और अब खबर गोंडा से, जहां एमपी एमएलए न्यायालय के आदेश पर भाजपा सांसद पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया समेत 12 नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ। भाजपा सांसद के अलावा मकान कब्जा करने वाले तत्कालीन कोतवाल सुधीर सिंह, दारोगा कुलवंत कौर, जसवीर सिंह, महेंद्र पाल, अन्य लोगों पर बलवा, डकैती और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। माननीय एमपी एमएलए कोर्ट के निर्देशानुसार 156(3) के तहत सितंबर 2023 की घटना को दर्शाकर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश किया गया है, जिसके क्रम में थाना मनकापुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें धारा 447, 323, 504, 506, 427, 188 आदि धाराओं में करीब 12 लोगों के विरुद्ध नामजद और कुछ अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और साक्ष्य संकलन कर इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का पहला चरण, जिले भर के आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में बच्चों को खिलाई गई अल्मोडाजोल की दवा। सीएम अजय प्रताप सिंह ने संभाली राष्ट्रीय कृमि मुक्ति श्रावस्ती बनाने की कमान। उत्सव और सफल अभियान के रूप में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। कंपोज स्कूल सिसवा हरिहर पुरानी में सीएमओ ने पहुंचकर बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई है। करीब 1500 और 900 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दवा खिलाई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश किया। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट। वित्त मंत्री ने इस बार छठा बजट सदन में पेश किया। मोरारजी देसाई के बाद सीतारमण ही दूसरे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 6 बार बजट पेश करने का मौका मिला। कानपुर में महिलाओं ने पेश हुए बजट पर खुशी जाहिर की है। महिलाओं का मानना है कि इस बजट में वित्त मंत्री ने महिलाओं के प्रति विशेष ध्यान दिया है और कई सारी योजनाओं के जरिए महिलाओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश की। लखपति योजना, आशा बहु वर्कर्स के लिए हेल्थ कार्ड और 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए टीकाकरण पर ध्यान दिया है। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो अंतरिम बजट में मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे को
इस्तेमाल करते हुए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की गई है। इसके साथ ही सरकार ने 9 से 14 साल के बच्चों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगवाएगी। मातृत्व और बाल विकास के लिए एक समग्र योजना बनाई जाने, आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा, पोषण 2.0 के अमल में तेजी लाई जाएगी, टीकाकरण को मजबूत किया जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को उसके दायरे में लाया जाएगा, जिससे महिलाएं काफी ज्यादा खुश नजर आई। सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई 6वीं बार बजट पेश करने के लिए। दूसरी चीज़, जो बजट हमारा हुआ तो पॉल्यूशन और सस्टेनेबिलिटी को ध्यान रखते हुए ई बजट पेश हुआ है। तीसरी चीज़, महिलाओं का बहुत ध्यान रखा गया है, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या दीदी जो उनका जो लोन है 2 करोड़ से 3 करोड़ का कर दिया गया, या फिर आयुष्मान कार्ड जो हमारे आशा दीदी वगैरह होते हैं उनके लिए, तो हर तरह से बहुत ध्यान रखा गया है महिलाओं का। तो एक महिला होकर के सीतारमण जी ने महिलाओं का बहुत ध्यान रखा है। बजट हमारी नज़रों में तो अंतरिम बजट है, ये पूर्ण बजट नहीं है। बजट से जो अपेक्षाएं थी मध्यम वर्गीय को, उसके हिसाब से जो इनकम टैक्स का स्लैब था 7 लाख तक का, उसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि स्लैब बढ़ेगा, लेकिन नहीं बढ़ा। अभी जब पूर्ण बजट आएगा उसके बाद तो हो सकता है सरकार से उम्मीद करते हैं कि मध्यम वर्गीय को ये राहत दे। और बाकी बजट ठीक है, आने वाली योजनाओं पे सरकार ने काफ़ी पैसा खर्च किया है, किसानों के और महिलाओं के बीच में उन्होंने काफ़ी बड़ा बजट इसमें आवंटित किया है, इसलिए ये बजट संतोषजनक कहा जा सकता है। हम इस बजट से संतुष्ट हैं। बरेली थाना क्षेत्र प्रेमनगर बरेली के पौष इलाके सिलेक्शन पॉइंट पर 6 बजे मोनू और सोनू ग्राम लभीड़ा द्वारा मिथुन नाम के युवक, जिसकी उम्र 28 साल है, अब्दुल्ला शेरपुर का रहने वाला है, उसने कुछ समय पहले मोनू लोधी से 10,000 रुपये उधार लिए। उधार के पैसे लौटाने पर मोनू और सोनू ने मिथुन को सिलेक्शन पॉइंट पर घेर लिया। उसके बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मोनू लोधी ने तमंचा निकालकर मिथुन पर फायर कर दिया। गोली मिथुन के पेट में जा लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने घटना को संज्ञान में लेकर अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। आज दिनांक 31/1/24 को समय करीब 6 बजे सिलेक्शन पॉइंट के पास थाना प्रेम नगर में एक मिथुन उम्र करीब 28 वर्ष, पुत्र ननकू लाल, निवासी तुला शेरपुर जो कि थाना इज्जत नगर में पड़ता है, उसको मोनू और सोनू नाम के दो लड़कों ने उसको गोली मारकर घायल कर दिया है। मिथुन के पेट में दाहिनी तरफ गोली लगी है। इस घटनाक्रम के पश्चात तत्काल पुलिस द्वारा उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे खतरे से बाहर बताया गया। इस संबंध में जब जानकारी गई तो पता चला उसके मित्र मोनू लोधी। बरेली में पुलिस वाहन जो कि कैदियों की पेशी के उपरांत करने जा रही थी, थाना विधरी चैनपुर के अंतर्गत नवदिया झाला के पास एक अनंती डीसीएम से टकरा गई, जिससे वाहन में सवार 8 कैदी घायल हो गए। घायल कैदियों को तुरंत इलाज के लिए जिला कारागार बरेली में दाखिल कराया गया। आपको बता दें कि डीसीएम को कब्जे में लेकर उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 31/1/2024 को सायंकाल पुलिस व्हीकल जो कि 54 कैदियों को कोर्ट में पेशी कराकर न्यायिक अवरक्षा में दाखिल कराने हेतु लेकर जा रहा था, नवदिया झाला दो की भित्री थाना अंतर्गत पड़ता है, उसको क्रॉस कर रहा था। वहीं पर एक अनियंत्रित डीसीएम जिसका ड्राइवर उसको लापरवाही पूर्वक संचालित कर रहा था, पुलिस व्हीकल में आकर टक्कर मार दी, जिससे पुलिस व्हीकल में सवार जो कैदी थे उनमें से 8 कैदी मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिनको तत्काल CHC भित्री में एडमिट करा दिया गया है। डॉक्टर ने देख के प्राथमिक उपचार करते हुए उनको खतरे से पूरी तरह बाहर बताया है। अग्नि विधिक कार्रवाई करते हुए सभी को न्यायिक अवरक्षा में दाखिल कराया जाए। नवनियुक्त जिलाधिकारी आरके सिंह ने कानपुर का पदभार संभाला। आपको बता दें कि 1994 में PSC होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में आए और मूल रूप से अयोध्या के रहने वाले आरके सिंह साल 2010 में IAS के रूप में पदोन्नत हुए। 2016 में एडिशनल CEO यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी रहे, फिर डायरेक्ट कैन, फिर इंस्टीट्यूट एंड MD शुगर कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश रहे, फिर वॉइस चेयरमैन हापुड़ पिलखुआ डेवलपमेंट अथॉरिटी रहे। इसके बाद 2017 में मुरादाबाद DM रहे, फिर 4 जून 2021 को गाजियाबाद में DM बनाए गए थे और अब उनको कानपुर में DM पद की कमान संभाली है। देखिए, शासन की जो प्राथमिकता है आप सभी जानते होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पहली प्राथमिकता है वो है जन समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण ढंग से और समयबद्ध निस्तारण, तो ये पहली प्राथमिकता है।
साथ ही जो हमारे विकासात्मक कार्य हैं उनमें अगर कहीं पे अवरोध है तो उस अवरोध को दूर करके उसको तेज़ी के साथ काम को आगे बढ़ाया जाए, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हों या विभिन्न प्रकार के विभागों के, चाहे वो जल निगम के प्रोजेक्ट्स हैं या कोई भी भारत सरकार के केंद्र और राज्य सरकार के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें अगर कहीं पे कोई अड़चन है, कोई बात है तो उसको जो है निराकरण करते हुए तेज़ी के साथ उसको आगे बढ़ाया जाना। तो मुख्य रूप से जो है वो जन समस्या के प्रति जो हम लोगों का दृष्टिकोण है उसको अच्छे ढंग से जन समस्याओं का निस्तारण करना पहला तो ये, दूसरा जो है विकासात्मक कार्यों को अच्छे से गति देना, यही मुख्य रूप से रहेगा। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जो है सिटीजन फ्रेंडली बनाना, मतलब लोग जो है ऑफिसर्स हमारे या जो भी हमारे कर्मचारी हैं वो नागरिक को सर्वोच्च मानते हुए उसकी समस्याओं के प्रति जो है जो भी वो अपनी समस्या रखता है तो उसके बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए कार्य करना। सहारनपुर में सोशल मीडिया पर कुछ युवकों का एक तमंचा लेकर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कार में बैठकर चार युवक अवैध तमंचा दिखाकर गाने पर वीडियो बना रहे हैं। प्रकरण के संबंध में सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर किंतारा ने बताया कि सोशल मीडिया पर कुछ युवकों द्वारा तमंचा दिखाया जा रहा है। प्रकरण को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर युवकों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। पुलिस के द्वारा कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि कुछ युवक द्वारा एक तमंचा लेकर उस वीडियो को बनाया गया है। इसमें थाना जनकपुरी में मुकदमा दर्ज किया गया है और जो युवक है इसकी शिनाख्त कर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली में अगर आप ऑनलाइन भैंस खरीदने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, साइबर ठगों के निशाने पर अब दूध के व्यापारी भी आ चुके हैं। मामला हरजतपुर थाने क्षेत्र के अंतर्गत टाड़ा गांव का है, जहां के रहने वाले सुनील कुमार अपने गांव में दूध का व्यापार करते हैं। सुनील कुमार ने किसान भाइयों डेयरी फार्म नाम के यूट्यूब पर दुधारू भैंस देखकर उसमें लिखे नंबर पर संपर्क करने के बाद जब फोन किया तब भैंस बेचने वाले जयपुर के व्यापारी शुभम ने बताया कि उसके पास अच्छी नस्ल की भैंस उपलब्ध है जो दिन में 18 लीटर दूध देती है। इसके बाद उसने भैंस का वीडियो बनाकर भी भेजा। वीडियो देखने के बाद सुनील कुमार को भैंस पसंद आई तब उसने उसकी कीमत पूछी, जिस पर भैंस बेचने वाले व्यापारी ने बताया कि 55,000 रुपये। अगर आप भी भैंस खरीदना चाहते हैं तो आपको एडवांस में 10,000 रुपये मेरे खाते में भेजना पड़ेगा, उसके बाद जब भैंस आपके घर पहुंच जाएगी तो शेष भुगतान ट्रक ड्राइवर को कर देना। इसके बाद सुनील कुमार ने ऑनलाइन भैंस बेचने वाले व्यापारी के खाते में 10,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, लेकिन दूसरे दिन जब भैंस नहीं आई तो उसने भेजने वाले व्यापारी को फोन किया तो उसने कहा कि 25,000 और भेजे तब भैंस मिल पाएगी। इसके बाद क्रेता सुनील कुमार को शंका हुई थी, उसके साथ फ्रॉड हो गया है, साइबर फ्रॉड। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र दिया है और कार्रवाई की मांग की है। कासगंज में गरीब कन्याओं की शादी में दबंगों ने मारपीट की, पथराव किया। दबंगों ने किन्नरों से भी मारपीट की और पर्स छीन लिया। किन्नरों द्वारा दो गरीब कन्याओं की शादी कराई जा रही थी, शादी में खाना न देने पर दबंगों ने घटना को अंजाम दिया। पथराव में दो बाराती सहित 3 लोग घायल हुए। किन्नरों का कहना है कि 2 जोड़ी कान के झुमके, 2 सोने की अंगूठी, लगभग 2 लाख की नकदी रखी थी पर्स में। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, 3 आरोपी फरार है। कासगंज सदर कोतवाली के मोहल्ला खेड़िया की पूरी घटना बताई जा रही है। तो पहाड़ों पर जहां बर्फबारी हो रही है वहीं मैदानी इलाकों में बारिश से फिर ठंड बढ़ गई है। सहारनपुर में कई जगहों पर तेज बारिश हुई तो कई जगह पर रुक रुक कर तो कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। वेस्ट यूपी में अब कड़ाके की ठंड के बीच बारिश ने दस्तक दे दी। बताया जा रहा है कि सहारनपुर में बीती रात बारिश के साथ ओले भी गिरे। ननौता, रामपुर, मनिहारन, चिलकाना, पठेड़, बेहट, मिर्जापुर, चुटमलपुर और गागलहेड़ी में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सहारनपुर जनपद में कई जगहों पर बारिश के चलते मौसम ठंडा बना हुआ है। बस्ती की साइबर क्राइम पुलिस की टीम ने 2 शातिर टलवार को अरेस्ट किया। इनका कारनामा सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये गैंग अधिकारियों का फोटो लगाकर उनके नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट खोलकर अमीर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते थे। शातिर टलवार के गैंग ने बस्ती डीएम अंतरा वासमी के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को रिक्वेस्ट भेज रही थी। जब डीएम अंतरा वासमी को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने टलवार गैंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अपने फेसबुक पर डीएम ने अपने नाम से फेक आईडी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न करने की अपील भी की है। पुलिस को 2 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त हुई है। एक्चुअली जनवरी के महीने में ही उच्च अधिकारियों के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बना करके और संबंधित लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट इत्यादि भेज करके और उसमें गलत तरीके से जो इस्तेमाल करने के तथ्य संज्ञान में आए थे, इस आधार पर साइबर थाना अंतर्गत
अभियोग का पंजीकरण उचित धाराओं में कराया गया था। पुलिस ने इस प्रकरण को पूरी संजीदगी के साथ ली थी और जब टेक्निकल रूप से बाकी अमेठी स्वास्थ्य विभाग स्टाफ की कमी से जूझ रहा है, मरीजों को परेशानी हो रही है। कई अस्पतालों में डॉक्टर कम है तो कई में है ही नहीं। वार्ड बॉय जामो सीएससी में है नहीं। कई महीने से एक्सरे टेक्नीशियन, कई पीएससी भी स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। अमेठी सीएमओ ने कहा कि प्रशासन को पत्र लिखा गया है, सभी खाली पद भर जाएंगे। अमेठी के सीएमओ है अंशुमान सिंह। डॉक्टरों की कमी है लेकिन कोई ना कोई विधा का कोई ना कोई डाटा हमारे सब सीएससी पीएससी का तैनात है और कुछ अभी नई एनएम हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट हुई है, कुछ एटी आए हुए हैं, कुछ फार्मासिस्ट आए हुए हैं तो उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, उनको पोस्ट कर दिया जाएगा। लैब टेक्नीशियन भी हमारे यहाँ। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।